बिहार एग्जिट पोल आने से एक दिन पहले बीजेपी का दावा महागठबंधन आगे, लेकिन हमारे पक्ष में होंगे नतीजे। 3 साल से पाकिस्तान जेल में बंद शमसुद्दीन अब लौटेंगे अपने वतन, भारत जासूसी का था आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हाल ही में किए गए कृषि सुधार का सीधे लाभ किसानों को मिलने वाला है, अन्नदाताओं की कड़ी मेहनत से होने वाले फायदों का बड़ा हिस्सा हड़प जाने वाले बिचौलियों को सिस्टम से किया जाएगा दूर। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम कल आएंगे सामने। दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में अचानक तेजी, अब महाराष्ट्र और केरल से ज्यादा आ रहे मामले, 24 घंटे में 7,745 आए नए केस। दिल्ली NCR में अब नहीं चला पाएंगे पटाखे, NGT द्वारा लगा 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन। बिहार चुनाव नतीजों से एक दिन पहले बीजेपी का दावा, NDA की बनेगी सरकार। धनबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई मुद्दों को लेकर निकाली ट्रैक्टर रैली। बॉम्बे हाई कोर्ट से रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी को झटका, अंतरिम जमानत नहीं मिलेगी। पीएम मोदी की देश की जनता से अपील, कहा लोकल फॉर दिवाली को अपनाएं, इससे अर्थव्यवस्था में नई चेतना आएगी। राहुल गांधी का बीजेपी पर वार, तेलंगाना की छात्रा की खुदकुशी पर बोले नोटबंदी और देशबंदी से बीजेपी सरकार ने अनगिनत घर उजाड़ दिए। महागठबंधन में टूट के संकेत, विधायकों को बिहार से बाहर भेजने की तैयारी में कांग्रेस। मध्य प्रदेश के सतना में कार और डंपर की भयानक टक्कर में 7 लोगों की मौत और 5 लोग घायल। संजय सिंह का बयान आया सामने, कहा अमेरिका ने बेवकूफ आदमी को बना रखा था राष्ट्रपति, अब हिंदुस्तान में सबक सिखाने की बारी। यूपी में 15 साल की लड़की को अगवा कर 6 महीनों तक किया बलात्कार। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेता का विवादित बयान, जो बाइडेन की मदद से जम्मू कश्मीर में धारा 370 करवाएंगे लागू। राम मांझी ने LJP अध्यक्ष पर कसा तंज, कहा रामविलास जी के सपने के बंगले को चिराग ने जला दिया। महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा जम्मू कश्मीर के युवाओं के पास बंदूक उठाने के अलावा और कोई नहीं है विकल्प। पोस्टरों से पटा पटना, तेजस्वी को लोग बता रहे नायक। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद कमला हैरिस द्वारा लिखी गई और उनके बारे में लिखी गई किताबों की बिक्री बढ़ी।